लास्ट लास्ट में हम 4.4 कर रहे थे ना, थोड़ी सी रह गई है। उसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा जी, हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिए थे, 6 आप लोगों का होमवर्क था, 7 हो गया था, 8 9 रह गए, और बाकी 10 11 12 एक जैसे हैं। तो 8 9 पे जरा आते हैं। देखो 8 9 जो क्वेश्चन है ना 4.4 का, इनका जो टॉपिक है ये आप कॉमन टॉपिक है, ये आपको जीपी के अंदर भी नजर आएगा, ये एपी के अंदर भी है, जीपी के अंदर भी है, ठीक है। और ये टॉपिक होता है कि जब आपको नंबर्स मालूम करने हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए कि यार आपने 3 नंबर्स हैं जो कि एपी के अंदर हैं वो आपको मालूम करने हैं, या 4 नंबर्स हैं एपी के अंदर वो आपको मालूम करने हैं, या 5 नंबर हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको लेट करने पड़ते हैं वो नंबर्स। अब फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए कि यार 3 नंबर्स एपी के अंदर है वो आपने लेट करने, इसी तरह 5 नंबर ऑड नंबर्स अगर आपने लेट करने हैं ना, कि 3 नंबर्स आपने लेट करने हैं या 5 नंबर्स आपने लेट करने हैं, तो उसका तरीका क्या होता है कि आप क्या करोगे, 3 नंबर्स कैसे पिक करोगे, 3 नंबर्स इन एपी। अभी शायद आपको बात समझ में आए, क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे मजीद अच्छी क्लियर हो जाएगी। जब भी आपको बोला जाए ना कि 3 नंबर्स एपी के अंदर जो है उनको मालूम करो, और कंडीशन आपको दी जाएगी कि उनका सम ये है, उनका प्रोडक्ट ये है, जो भी है, तो आपने 3 नंबर्स लेट क्या करना है, आपने ये 3 नंबर लेट करने है कि आपने दरमियान में ए लिखना है, इस तरफ आप लिखोगे ए प्लस बी और इस तरफ लिखोगे ए माइनस बी। तो अगर आप देखो तीनों नंबर्स एपी के अंदर है, इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो डी के बराबर है, आप इसमें डी ऐड करो ये वाली टर्म आ जाएगी, इसके अंदर डी ऐड करो ये वाली टर्म आ जाएगी। तो जब भी आपको बोला जाए कि 3 नंबर्स एपी के अंदर लेट करो, तो आपने ये वाले 3 नंबर्स लेट करने हैं। इसी तरीके से अगर आपको बोला जाए कि 5 नंबर्स के अंदर आपको निकालने हैं, तो आप लेट क्या करोगे, आप स्टार्ट करोगे ए से, मतलब दरमियान में ए होगा, यहां पे लिखोगे ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, इसी तरीके से यहां पे लिखोगे ए माइनस डी और यहां पे लिखोगे ए माइनस टू डी। तो जब 5 नंबर लेट करने को बोला जाए तो आप ये लेट करोगे। सवाल बच्चों के जहन में आता है यही क्यों, आपको फॉर एग्जाम्पल 3 नंबर बोला जाए लेट करने के लिए, तो आप ये भी तो लेट कर सकते हो 3 नंबर, लेकिन मसला है कि अगर इनको आप लेट करोगे ना, अगर कंसिडर करोगे 3 नंबर एपी के अंदर है, तो इनकी कंडीशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। जब आप इनका फॉर एग्जाम्पल सम निकालोगे, इन तीनों नंबर्स को अगर आपस में ऐड करोगे, तो ना ए कैंसिल होगा ना डी कैंसिल होगा, लेकिन अगर इन 3 नंबर्स को ऐड करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे माइनस डी और डी कैंसिल, और आपके पास डायरेक्ट ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यही हमने इसलिए लेट किए हैं क्योंकि ये वो नंबर्स हैं जो आपकी कैलकुलेशन को काफी आसान करेंगे। आप बेशक ये भी लेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन आपकी मुश्किल हो जाएंगी। तो आपने वो नंबर्स लेट करने हैं जो आपकी कैलकुलेशन को आसान करें, और साथ साथ वो एपी के अंदर भी हो, मतलब जो उनका डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो अगर 5 नंबर आपको लेट करने को बोला जाए, तो आप इस तरीके से 5 नंबर लेट करोगे। इसी तरीके से अगर इवन नंबर्स आपको बोला जाए, आपको बोला जाए 2 नंबर लेट करो एपी के अंदर, या बोला जाए 4 नंबर लेट करो एपी के अंदर, तो उनको किस तरह करोगे? तो कंसिडर कर लो, अगर आपको बोला जाए कि लेट करो 2 नंबर्स एपी के अंदर, अब अगेन 2 नंबर्स लेट करने को आप इस तरह भी लेट कर सकते हो, ए और ए प्लस बी, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं होगा। तो आप 2 नंबर्स किस तरह लेट करोगे, आप लिखोगे ए प्लस डी और लिखोगे ए माइनस डी। ये जो 2 नंबर्स है ना, इनके दरमियान अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालो, तो कॉमन डिफरेंस 2d का आएगा, आप देख लेना कॉमन डिफरेंस 2d आ रहा होगा। तो जब भी आपको 2 नंबर्स एपी के अंदर बोला जाए ना कि यार कोई भी एग्जांपल आपको दी जाए कि 2 नंबर्स एपी के अंदर थे, उनका सम या प्रोडक्ट जो भी है, तो आपने हमेशा ये 2 नंबर लेट करने। इसका सवाल आता नहीं क्योंकि बड़ा ईजी हो जाएगा, लेकिन असल जो सवाल आता है वो 4 नंबर्स का आता है। पैटर्न यही होगा, जैसे आपने 2 नंबर्स लेट किए, इसी तरह 4 नंबर्स भी आप लेट करोगे। और अगर आपको बोला जाए 4 नंबर एपी में लेट करो, तो आप अगेन स्टार्ट वहीं से करोगे ए प्लस डी और ए माइनस डी से। उसके बाद क्या लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे ए प्लस 3d, ए प्लस 2d नहीं लिखोगे, मैं बताता हूँ क्यों नहीं लिखोगे। इसी तरीके से यहां पे आप लिखोगे ए माइनस 3d। उसकी वजह है कि आपने जब देखा था इन दोनों टर्म्स के दरमियान जब आप डिफरेंस निकालोगे ना, तो डिफरेंस आ रहा होगा 2d का, तो डिफरेंस तो सेम रहना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे ए प्लस 2d कर दिया, फिर इसमें और इसमें डिफरेंस डी का रह जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो अब आप इनके दरमियान डिफरेंस निकाला, डी का आ रहा होगा, और इनके दरमियान डिफरेंस 2d का आ रहा होगा, तो ये तो एपी नहीं बनेगी ना। एपी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 2d का डिफरेंस रखना है। अगर ये ए प्लस डी है, तो ये ए प्लस 3d हो जाएगा। इसी तरह ए माइनस डी, ए माइनस 3d। तो देखो कैलकुलेशन काफी आसान है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोले कि 4 नंबर्स जो एपी के अंदर है उनका सम 10 के बराबर है, फॉर एग्जाम्पल, तो जब आप इन तीनों को, चारों नंबर्स को ऐड करोगे, तो 3d से माइनस 3d कैंसिल, माइनस डी से डी कैंसिल, आपके पास डायरेक्ट ए की वैल्यू आ जाएगी, तो कैलकुलेशन आपकी काफी आसान हो जाएगी। तो अगर 2 3 4 5 नंबर्स आपको बोला जाए कि लेट करो या उनको मालूम करो, तो आप ये नंबर्स लेट करोगे, उसके बाद जो भी सवाल है उसके मुताबिक उसको सॉल्व करोगे। अब इनको किस तरह अप्लाई करना है, जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको मजीद बातें क्लियर हो जाएंगी।
अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में करवा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में 5 नंबर का जिक्र किया गया है और क्वेश्चन नंबर 8 में 3 नंबर का जिक्र किया गया है। तो 5 नंबर को डील करना अगर आपको आ गया तो 3 नंबर को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, फाइंड 5 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 25 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 135। तो जब 5 नंबर का जिक्र किया गया है तो आप सवाल का इस तरह स्टार्ट करोगे, लेट स्क्वायर्ड 5 नंबर्स एपी आर। लेट कर लो 5 नंबर्स जो बताए थे अभी, किस तरीके से आप लेट करोगे, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ये वो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं जो आपको मालूम करने, लेकिन आपको ना अभी ए पता है ना आपको डी पता है, यही आप मालूम करोगे। जैसे ही आपके पास ए और डी आ गया तो आपके पास 5 नंबर एपी के अंदर आ जाएंगे। सवाल को देख लो, सॉल्व कर लो, उसके बाद हर चीज क्लियर हो जाएगी आप लोगों की। ये लिखने के बाद अब आप कंडीशंस का इस्तेमाल करोगे, सॉल्यूशन पे आ जाओ। सॉल्यूशन आपका क्या होगा जो कंडीशन गिवन है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या गिवन है कि हुज सम इज 25, नंबर्स का जो सम है ना के बराबर है 25 या 50, 25 के बराबर है। ठीक है, तो आप क्या करो, इन पांचों जो नंबर्स है ना इनका सम, कंडीशन आपको क्या गिवन है कि उनका सम 25 के बराबर है, तो आप इन पांचों नंबर्स को ऐड कर दो। तो ए माइनस 2d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d। तो इन पांचों नंबर्स को आपने ऐड किया और कंडीशन क्या थी कि इन पांचों नंबर्स का सम जो है वो 25 के बराबर है। सॉल्व करो, माइनस 2d से 2d कैंसिल, माइनस डी से डी कैंसिल, ए दूसरा ए, तीसरा ए, चौथा ए, पांच ए, तो ये हो जाएगा 5a इज इक्वल टू 25। और यहां से डायरेक्ट ए की वैल्यू आ रही है, ये मैं बात कर रहा था, अभी कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगी। अगर आप पांच कोई और नंबर लेट करोगे तो कैलकुलेशन आपकी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसे देखो, डायरेक्ट आपके पास ए की वैल्यू आ गई। अब आपकी सारी मेहनत है डी निकालने के लिए, और ए और डी आ गए तो नंबर आप आसानी से मालूम कर लोगे ना। अब आप दूसरी कंडीशन का इस्तेमाल करो। दूसरी कंडीशन क्या है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 135। तो सम ऑफ स्क्वायर्स के बराबर है 135 के बराबर है। सम ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या है कि इन नंबर्स का आप स्क्वायर करो और फिर उनको आपस में ऐड करो, तो रिजल्ट किसके बराबर आएगा, 135 के बराबर आएगा। तो सबसे पहले नंबर्स को स्क्वायर करो, ए माइनस 2d का स्क्वायर, ए माइनस डी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए प्लस डी का स्क्वायर और ए प्लस 2d का स्क्वायर। सब नंबर्स का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर हो गया, अब सम कर दो, ऐड कर दो आपस में, और कंडीशन क्या है किसके बराबर है, 135 के बराबर है। अब आप इसको सॉल्व करना। अब देखो इसको सॉल्व सिंपल तरीका क्या है कि जो होल स्क्वायर है ना ओपन कर दो, आपस में कैंसिलेशन होंगी तो सवाल आपका काफी इजी हो जाएगा। डायरेक्ट भी मैं कर सकता था लेकिन पहले ओपन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4ad प्लस 4d स्क्वायर। मैं ओपन कर लेता हूँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है कहीं पे, ए प्लस बी होल स्क्वायर का लगाना है, देख लेना कोई इतनी मुश्किल टेक्निक नहीं है। अच्छा जी, फिर ये ए स्क्वायर आ गया, अब इसकी बात करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर, और फिर इसकी बात करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 4ad प्लस 4d स्क्वायर, ये किसके बराबर है, 135 के बराबर है। अभी आप एक ही वैल्यू पुट ना करो, सिंप्लीफिकेशन कर लो, माइनस 4ad प्लस 4ad कैंसिल, माइनस 2ad प्लस 2ad कैंसिल, ए स्क्वायर एक दफा है, दो दफा है, तीन चार पांच दफा है, तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर, अच्छा 4d स्क्वायर और डी स्क्वायर, ये हो जाएगा 5d स्क्वायर। इसी तरीके से अगेन ये हो जाएगा 6d स्क्वायर और अगेन ये हो जाएगा 10d स्क्वायर। पूरी इक्वेशन आपकी 5 से डिवाइड हो रही है, 5 से डिवाइड कर दो, यहां पे आ जाएगा ए स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा 2d स्क्वायर और इसको डिवाइड करो तो यहां पे आ जाएगा 27। अब आपको ए की वैल्यू पता है ना, अब आपने जब सिंप्लीफिकेशन कर दी, अब आप ए स्क्वायर को उधर ले जाओ और इसकी वैल्यू भी पुट कर दो, तो 2d स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 27 माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 5, तो 27 में से आप 25 माइनस करो तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो 2d स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 के, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, डी स्क्वायर यहां से हो जाएगा 1 के बराबर, और जब आप रूट लोगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1।
जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो तो राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस लगाते हो और वन का स्क्वायर रूट तो वन के बराबर होता है। तो यहाँ पे डी की दोनों वैल्यू आपने लेनी है, पॉजिटिव भी होगी नेगेटिव वैल्यू भी होगी। तो एक आपके पास ए की वैल्यू आई है और दो वैल्यूज आपके पास डी की आई। तो अब वक्त आ गया है वो पांच नंबर्स मालूम करने का, जिसकी कंडीशन थी ना कि उनका सम 25 है, और जो कंडीशन थी उन पांच नंबर्स को आप कैसे मालूम करोगे, अब जरा उस पर आ जाओ। आप लिखोगे हेंस फाइव नंबर्स इन एपी आर। अब देखो दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहां पे बनेगी। सबसे पहली बनेगी जिसमें फर्स्ट टर्म मतलब ए जो है फाइव है, फर्स्ट टर्म नहीं, यहाँ पे ए जो है वो एक रैंडम आपने लेट किया भाई, ये ए फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे ए माइनस टू डी है। तो खैर उसको छोड़ दो, यहाँ पे ए की वैल्यू फाइव आई है और डी की सबसे पहले आप वैल्यू लोगे पॉजिटिव वन। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे व्हेन ए इज इक्वल टू फाइव और डी इज इक्वल टू वन। तो अब पांच नंबर एपी के अंदर क्या होंगे उसको जरा देख लेते हैं। पुट कर दो वैल्यूज, यहाँ पे ए की जगह फाइव पुट कर दो, जगह पे वन पुट कर दो कॉमा, अगेन ए की जगह फाइव डी की जगह वन, फिर ए की जगह फाइव, ए प्लस डी मतलब फाइव प्लस वन, और फिर ए प्लस टू डी मतलब फाइव प्लस टू टाइम वन। अब सॉल्व करो, फाइव माइनस टू थ्री, फाइव माइनस वन फोर, ये हो जाएगा फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स और फाइव प्लस टू सेवन। तो ये तीन नंबर जो पांच नंबर आपके एपी के अंदर है ना वो आ गए। अगर आप ऑब्जर्व करो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन सी कंडीशन थी कि इनका सम 25 होना चाहिए, आप ऐड करके देख लो, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 7 25। इसी तरीके से इनके स्क्वायर का सम 135 होगा, तो आप 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, आप इनको ऐड करना, देखना 135 आ रहा होगा। आप सवाल को चेक भी कर सकते हो कि जो कंडीशन आपने इस्तेमाल की थी क्या वो मैच कर रही है नहीं कर रही। तो जब मैच करोगे दोनों कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो अब देखो नंबर्स तो ये पांच हैं, जब आप डी की वैल्यू माइनस वन रखोगे ना तो नंबर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सीक्वेंस अलग हो जाएगी। वो क्या मतलब देख लेते हैं। अब आप क्या करो, ए की वैल्यू फाइव ही रहने दो, लेकिन डी की जो दूसरी वैल्यू है मतलब नेगेटिव वन, अब वो पुट कर दो। अब जरा देखो क्या होगा, अगेन वही बात, यहां पर डी की वैल्यू, अच्छा यार मैं ये ब्रैकेट नहीं डाल रहा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ए की जगह फाइव, अच्छा जी D की वैल्यू आपने माइनस वन ली है तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा ये। इसी तरीके से A माइनस D, ये हो जाएगा फाइव माइनस, अब D की वैल्यू नेगेटिव है ना तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, A की जगह तो फाइव पुट कर दो। फिर है A प्लस D, A यहाँ पे फाइव है और D यहाँ पे माइनस वन है, और फिर है A प्लस टू डी, A फाइव है D यहाँ पे माइनस वन है, टू से मल्टीप्लाई करो तो माइनस टू, सिंप्लीफाई करो ये हो जाएगा सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री। तो देखो ये नंबर वही है जो आपने ऊपर लिखे थे, लेकिन अब फर्क क्या है इनमें, फर्क ये कि अरिथमेटिक सीक्वेंस अलग अलग है, ये एक अलग अरिथमेटिक सीक्वेंस मानी जाएगी और ये अलग अरिथमेटिक सीक्वेंस मानी जाएगी। इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है वो थ्री के बराबर है और कॉमन डिफरेंस वन के बराबर है, जबकि इस अरिथमेटिक सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म सेवन है और कॉमन डिफरेंस माइनस वन है। यहां पे ए को फर्स्ट टर्म मत समझना, मैं बार बार बता रहा हूं, ए फर्स्ट टर्म नहीं है, ए माइनस टू डी यहां पे फर्स्ट टर्म है। तो मत समझना ए फाइव का मतलब पहले टर्म फाइव है, ये ए आप समझ लो कि अननोन है बस, यहाँ पे ए को हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं लिया, इस में रखना। तो एक अरिथमेटिक ये आ जाएगी, एक अरिथमेटिक ये आ जाएगी, तो दोनों अरिथमेटिक आपके पास आ जाएंगी। अलग अलग लिखने की वजह ये है कि दो अलग अरिथमेटिक सीक्वेंस है, और साथ साथ आपका सवाल भी कंप्लीट हो जाएगा कि पांच नंबर एपी के अंदर थे, तो ये भी पांच नंबर एपी के अंदर है, ये भी पांच नंबर एपी के अंदर है, दोनों अलग अलग एपी है, ये भी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि सम 25 और स्क्वायर का सम 135, और ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से दो आंसर यहाँ पे आ जाएंगे। अगर तो आपको बोला जाता ना कि पांच नंबर्स निकालो, एपी की कोई डिस्कशन ना होती, जैसे सवाल में अगर एपी की कंडीशन ना होती, रैंडम सवाल होता कि यार पांच नंबर आपने निकालना है, तो फिर तो आपका कंसर्न होता ना कि पांच नंबर कौन से हैं, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होता फिर। लेकिन यहाँ पे एपी का जिक्र किया गया है कि वो अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर है, तो अब ये अलग अरिथमेटिक सीक्वेंस है और ये अलग अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, देख लो सवाल को, कोई मसला है तो पूछ लो। सर एपी में सिर्फ फाइव नंबर्स होते हैं? नहीं, सवाल में हमने लेट ही पांच किए ना, कंडीशन ही ये भी देखें पांच नंबर्स एपी के अंदर है। अगर आपको बोला जाता कि तीन नंबर्स एपी के अंदर है तो हम फिर तीन नंबर्स निकाल रहे होते, अगर चार नंबर्स बोला जाता तो हम चार नंबर्स निकालते, हमसे जो बोला गया हमने उसके मुताबिक निकाला है। सर सिक्स नंबर्स इन एपी में फॉर्मूला
नहीं होगा, होगा नहीं। अगर फॉर्मूला पूछ रहे हो तो ये हो सकता है ए प्लस थ्री डी है ना, तो ए प्लस फाइव डी और ए माइनस फाइव डी बनाना चाहो तो। मैंने तभी एक जनरल रूल बताया, इवन नंबर्स को बनाने का ये तरीका है कि छह नंबर लेट करने ए प्लस फाइव डी ए माइनस फाइव डी, आठ नंबर लेट करने ए प्लस सेवन डी ए माइनस सेवन डी। और ऑड का तरीका क्या होता है, आप स्टार्ट ए से करते हो, इस तरफ जाते हो, इस तरफ जाते हो, तो बिल्कुल ज्यादा सात नंबर एपी के अंदर लेट करने ए प्लस थ्री डी ए माइनस थ्री डी, तो सात नंबर आ जाएंगे। लेकिन आप लोगों के लेवल पे आएंगे नहीं, लेकिन मेथड यही होगा। तो क्वेश्चन नंबर एट तीन नंबर्स वाला था, वो तो आप लोग कर लोगे आसानी से, मैंने पांच नंबर्स वाला बता दिया। अब आ जाओ एंड के जो वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत इजी वर्ड प्रॉब्लम है, मैं देखता हूँ जो मुश्किल है उसका बताता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर टेन में लिखा हुआ था सम ऑफ रुपीज 42,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फाइव पर्सन। बोला हुआ है आपको कि 42,000 है जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने लोगों में, पांच लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। थोड़ा अगर इसको समझोगे ना कंडीशन को, तो सवाल वर्ड प्रॉब्लम बड़े आसान हो जाते हैं। सो दैट ईच पर्सन आफ्टर द फर्स्ट रिसीव रुपीज 80 लेस देन द प्रीसीडिंग पर्सन। इस पूरी अंग्रेजी का मतलब क्या है कि जब आप पांच बंदों को बांटोगे ना, तो फॉर एग्जाम्पल पर्सन नंबर वन है, उसको आपने कुछ पैसे दे दिए, जब आप पर्सन टू को पैसे दोगे ना, तो जो आपने पर्सन वन को पैसे दिए थे उससे 80 रुपए कम आप पर्सन नंबर टू को दोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले बंदे को 10,000 रुपए दिए, तो अब दूसरे बंदे को आप दोगे 9,000 80 रुपए आपने कम देने। चलो एग्जाम्पल बहुत बड़ी होगी, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बंदे को 500 रुपए दिए, पहले वाले बंदे को 500 दिए, तो दूसरे वाले बंदे को कितने दोगे, 420, 80 रुपए कम देने आपने। फिर तीसरे बंदे को कितने दोगे, मजीद 80 कम कर दो, 420 में से 80 निकालो 340। फिर जो चौथा बंदा है उसको कितने दोगे, 260। तो कहने का मतलब जब पहले बंदे को जो आप दे रहे हो ना, उससे 80 कम करके दूसरे बंदे को दोगे, फिर उससे 80 कम करके तीसरे बंदे को दोगे, ये सिचुएशन बन रही होगी यहाँ पे। तो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन एक खास पैटर्न के हिसाब से करना है। फिर लिखा हुआ हाउ मच डज ईच पर्सन रिसीव, वो कह रहे हैं कि हर बंदा क्या रिसीव करेगा ये आपको बताना है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, मतलब हर बंदा, मतलब लिखा हुआ ना हाउ मच डज ईच पर्सन रिसीव, आपको बताना है कि पांचों बंदों के पास क्या क्या पैसे आए थे, किस तरह सवाल को सॉल्व करोगे। बहुत इजी सवाल है, आप लोग कर लोगे आसानी से। मैं आइडिया दे देता हूं कि सबसे पहले पर्सन को कंसिडर कर लो, आपने ए अमाउंट दी है, अब ए अमाउंट कुछ भी हो सकती है, पहले पर्सन को आपने दी है। दूसरे पर्सन को जो आप दोगे ना, वो 80 रुपए कम दोगे, मतलब अगर पहले को अगर आपने ए दिया तो दूसरे को कितने दोगे, ए माइनस 80, 80 रुपए कम दोगे। तीसरे बंदे को कितने दोगे, ए माइनस 160, इस तरह कर लो, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हो, मतलब एक ही बात है ना, इसको मिले थे ए माइनस 80, इसको आपने मजीद 80 रुपए कम देने, मतलब मजीद 80 माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस 160। अच्छा, जो चौथा बंदा है उसको मिलेगा ए माइनस 240, और जो पांचवा बंदा है उसको मिलेगा ए माइनस 320। तो ये पांच बंदे हैं, इनको आपने ये सब अमाउंट दे दी है। सवाल ये है कि टोटल अमाउंट आपके पास कितनी थी, टोटल अमाउंट आपके पास 42,000 थी। तो जो सम है ना, अगर ये पांच जो आपने अमाउंट दी है पांच लोगों को, अगर आप इनको ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 42,000। जैसे अभी ईद आने वाली है ना, फॉर एग्जाम्पल बैंक से बड़े लोग जो है वो एक वो, जो नए नोट होंगे ना गड्डी निकाल लेते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आपने 100 की गड्डी निकाली, उसके अंदर 100 नोट है, तो कितने बनेंगे, 1,000, 10,000 बनेंगे आई गेस। 100 रुपए के 100 नोट कर लो, 10,000 बनेंगे। अब 10,000 फॉर एग्जाम्पल उसने 10 बच्चों को बांट रहे हैं, तो टोटल जब वो 10 बच्चों को बांट देगा तो उसका सम जो है वो तो 10,000 के बराबर ही होगा ना, कि 10,000 ही उसने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो ओवरऑल अगर 10 बच्चों के बाद जो भी ईदी आई है उसको आप ऐड करोगे तो रिजल्ट में तो 10,000 ही मिलेगा, अमाउंट 10,000 थी आपकी। तो यहाँ पे आपको सम दिया हुआ है, सम कितना है, 42,000, कि अगर आप इन सबको आपस में ऐड करोगे ना, जितने भी आपने हिस्से दिए सब लोगों को, तो जो सम आएगा वो बराबर होगा 42,000 के। ये सिचुएशन गिवन है, आपको निकालना है कि यार सबको कितना हिस्सा मिला था। सबके हिस्से निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको ए पता होना चाहिए। जैसे आपने ए मालूम कर लिया, सबका हिस्सा आ जाएगा, वो तो बड़ा मसला है, ठीक है। अब सवाल है कि ए कैसे मालूम करोगे, इसको ए को हम बोलेंगे यहाँ पे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपको नहीं पता ना ए, यहाँ पे वो निकालनी है। अच्छा, आपको पता क्या है, आपको सबसे पहली बार सम पता है, सम किसके बराबर है, 42,000, ये चीज आपको पता है। आपको इस अरिथमेटिक सीरीज है ना, अगर आप देखो कॉमन डिफरेंस सेम ही है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस 80, आप 80 रुपए कम करते जा रहे हो ना, तो दैट्स व्हाई नेगेटिव आ रहे हैं। और आप वैसे भी निकाल सकते हो, इन दोनों टर्म्स के दरमियान डिफरेंस निकालो, ए माइनस 80 माइनस ए, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, माइनस 80। इसी तरह इन दो के दरमियान डिफरेंस निकालो, ए माइनस 160 माइनस ए माइनस 80,
तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए से ए कैंसिल, माइनस 160 प्लस 80 अगेन माइनस 80। तो कहने का मतलब सेम ही है ना, 80 रुपए आप कम करते जा रहे हो, दैट्स व्हाई कॉमन डिफरेंस यहाँ पे माइनस 80 है। तो आपको कॉमन डिफरेंस पता है इस अरिथमेटिक सीरीज का। अच्छा, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म पता है इस अरिथमेटिक सीरीज की, कितनी टर्म्स है? 5 टर्म्स है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है यहाँ पे। सवाल है कि मालूम क्या करना है, फिर मालूम करना है ए। जैसे ही आपके पास ए आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि सबके कितने कितने हिस्से उनको मिले थे। मैं रफ इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, फेयर कर लेना है। फॉर्मूला ये पढ़ा था आपने सम का कल, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, पुट कर दो वैल्यूज। सम है 42,000, नंबर ऑफ टर्म है यहाँ पे 5, फर्स्ट टर्म आपको नहीं पता, अगेन एन की जगह 5 पुट करो, 5 माइनस 1 4, और कॉमन डिफरेंस है माइनस 80। इस 2 को जाके, एक सेकंड, इस 2 को जाके मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 84,000। 5 आएगा, अंदर है 2a, ये हो जाएगा माइनस 320। अब हमें जरूरत है कैलकुलेटर की। अच्छा जी, सॉल्व कैसे करोगे? 584,000 डिवाइड कर देते ना, 84,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आंसर आ रहा है 16,800। तो ये 5 आपने डिवाइड करवा दिया, यहाँ क्या बचा? 2a माइनस 320, माइनस 320 वहां जाके ऐड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 17120। ये बराबर है 2a के, आप इसको डिवाइड कर दो 2 से, फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 8560। तो सवाल था आपको पांचों लोगों के हिस्से निकालने थे, अब वक्त आ गया, आप हिस्से निकाल सकते हो। कैसे? जो फर्स्ट पर्सन, आप इस तरह लिख देना कि जो फर्स्ट पर्सन है उसका हिस्सा था a के बराबर, जिसकी वैल्यू आई है 8560। जो दूसरा पर्सन है उसकी वैल्यू थी a माइनस 80, सिंपल लैंग्वेज में 80 रुपए कम कर दो, ये लिखो ना लिखो बात एक ही है, 80 रुपए कम करने हैं आपने, तो 80 रुपए कम कर दो, इससे ये हो जाएगा 8400। फिर जो तीसरा बंदा है उससे 80 रुपए कम करो, ये हो जाएगा 8400। फिर 80 रुपए कम करो, ये हो जाएगा 8320। और फिर 80 रुपए कम करो, ये हो जाएगा 8240। तो पांचों बंदों के हिस्से अगर आप इन सब अमाउंट को ऐड करोगे, चेक कर लेना, ऐड करोगे तो देखना 42,000 आना चाहिए, क्योंकि टोटल आपने 42,000 ही डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो पांचों बंदों के जब हिस्से ऐड करोगे तो आंसर में आपको 42,000 मिल रहा होगा। समझ जाना आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, सही है? कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन? तो मैंने सॉल्व करवा दिया, बस इसके एक दो स्टेप या थोड़ा प्रॉपर लिख देना, स्टेप भी सारे हैं, बस हल्की बुल्कि अंग्रेजी लिख देना कि पांच बंदे जो हैं, फिर अंग्रेजी की वैसे जरूरत नहीं है, तो ये सॉल्यूशन आपका हो जाएगा पूरा। सर अगर पहली इक्वेशन से ए की वैल्यू निकाल लें हम, तो आंसर ठीक आएगा? पहली इक्वेशन से एक, हाँ फिर भी आ सकता है, एक ही बात है। तुम अगर इनको आपस में ऐड करना चाह रहे हो तब भी हो सकता है, मैं डिफरेंट अप्रोच से ये फॉर्मूला यूज किया, हाँ तुम कर सकते हो। वैसे माइनस 80 इन सबको ऐड करना, उधर लेके चले जाना, सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा 5a। बल्कि ये ज्यादा छोटा तरीका है, ज्यादा अच्छा बताया मैंने इसको अरिथमेटिक सीरीज से निकाला, अब इसको 5 नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, उससे कर सकते हो। उससे जब करोगे ना तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, 5a, 5a है ना, तो ये हो जाएगा, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट मतलब जो भी है नंबर को करना, उधर जाके ऐड करवा देना और फिर 5 से डिवाइड करवा देना। तो ये बल्कि अच्छा तरीका है, ये वाला अरिथमेटिक सीरीज का था। जरूरी नहीं है कि आपको ये फॉर्मूला यूज ही करना है, क्योंकि ये वही कॉन्सेप्ट बन रहा है जो आपने पढ़ा था ना कि 5 नंबर एपी के अंदर है, तो आप उनको ऐड करो तब भी वही वाली कंडीशन है ना, 5 नंबर एपी के अंदर थे आपने ऐड किया और एंड पे आपने बाद में 5 नंबर जो है वो मालूम कर लिए, तो ज्यादा अच्छा तरीका है कि आप इनको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। मेरे जहन में असल में वो एक ही तरीका जो मैंने करवाना होता है ना वो फंसा हुआ होता है, तो ये थोड़ा लंबा लग जाएगा, आई गेस ये ज्यादा सही है। उसके बाद लिखा हुआ है वेल डिगिंग कंपनी, कुआं खोदना है, खोदने वाली कंपनी, चार्जेस रुपीज 1250 रुपए फॉर द फर्स्ट मीटर। इसको आप इस तरह समझ लो कि जो आप बोरिंग करवाते हो ना, एक किस्म का खड्डा खोद रहे होते हैं ना, तो उसके चार्जेस आई गेस पर फुट के हिसाब से होते हैं, एग्जैक्ट मैं याद नहीं, पर फुट के हिसाब से चार्जेस ले रहे होते हैं कि 200 फुट आपने करना है या 150 फुट करना है, जो भी है डिपेंड करता है कि किस एरिया में कितने फुट बाद पानी आ रहा है। तो ये एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट है कि लोग बोल रहे हैं कि जो पहला मीटर आप फर्स्ट मीटर मतलब एक मीटर के अंदर तकरीबन 3-3.5 फिट होते हैं ना तकरीबन, तो अगर 3-3.5 फिट के लिए कितने चार्जेस वो आपसे लेंगे, 1250 रुपए लेंगे इतना खड्डा खोदने के। उसके बाद लिखा हुआ है रुपीज 1500 फॉर द सेकंड मीटर। जाहिर सी बात है जितना अंदर जाते जाओगे उतना आपकी मुश्किलात होती रहेंगी। उन्होंने बोला कि जो पहला मीटर, पहला जो आपने मीटर लेना है ना, मीटर मतलब 3-3.5 फुट का जो आपने खड्डा खोदा है वो हो जाएगा 1250 का,
उसके अगले जो मीटर होगा ना उसके कितने चार्जेस होंगे, 1500 के होंगे। इसी तरीके से उससे अगला जो होगा उसके कितने चार्जेस होंगे, 1750। अगर आप देखो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है ये, जिसमें कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालो तो 250 का आएगा, मजीद आप 250 ऐड करते जा रहे हो, ठीक है, और इस तरह पैटर्न चलता जा रहा है। अब सवाल क्या है, सो ऑन, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द ऑफ अ वेल दैट कॉस्ट रुपीज 50,000। वो बोल रहे हैं कि यार हमने जो ना 50,000 रुपए खर्च किए हैं, 50,000 का मतलब जैसे ये 3 मीटर का आपने घड़ा खोदा है ना, तो अगर आप इनको ऐड करो आपस में आपको अमाउंट मिल जाएगी, फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा 2750, 2800, आई गेस 4500 बन रहा है ये। तो 3 मीटर घड़ा खोदने के आपको 4500 बढ़े। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि टोटल हमें 50,000 हमारा खर्चा आया है। अब बताओ 50,000 जब हमारा खर्चा आएगा तो उसने कितनी गहराई पे घड़ा खोदा है, 50,000 टोटल है। तो इसको आप अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये सम गिवन है आपको, मतलब इतना आपका खर्चा आया 50,000। आपको मालूम करना है कि कितनी डेप्थ का, कितना गहरा घड़ा यहाँ पे खोदा गया है। अब इसका मतलब क्या, क्या निकालोगे आप, सिंपल नंबर ऑफ टर्म निकाल लो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आप नंबर ऑफ टर्म मालूम करो कि जिसपे सम जो है वो 50,000 आते हैं। जरा मालूम करते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो फर्स्ट टर्म 1250, कॉमन डिफरेंस जो है वो 250, और सम जो है वो 50,000। जो फॉर्मूला बताया था भी उसके अंदर पुट करना, सम की जगह 50,000, एन अपॉन टू, एन आपको नहीं पता, 2a, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2500 हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1 डी, डी यहाँ पे 250 है, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 100k। यहाँ पे क्या बचेगा, एन 2500, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 250n माइनस 250। तो सॉल्व करो, यहाँ पे हो जाएगा 2250 हो जाएगा ना, 2500 में से जब आप 250 कम करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये सिचुएशन आ जाएगी। अब आप एक काम करो, 2250 और 250, 250 में खाल में कॉमन आ जाएगा ना, तो आप कॉमन ले सकते हो यहाँ पे। पूरी इक्वेशन करो, मैं 250 से डिवाइड कर रहा हूँ असल में, तो यहाँ पे 1,00,000 को डिवाइड करो 250 से, तो मिलेगा 400, तो यहाँ पे आ जाएगा 400। इसी तरीके से जब 2250 को डिवाइड करोगे 250 से तो आई गेस 11 आएगा, 9 आएगा सॉरी। इसी तरह इसको 250 से डिवाइड करो तो 250 है ना सिंपल एन बच जाएगा। फायदा ये हुआ कि आपकी इक्वेशन जो है वो थोड़ी सिंप्लीफाइड हो गई है, पहले मुश्किल मुश्किल इक्वेशन थी सॉल्व करना मुश्किल है। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, जरा सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 9n प्लस n स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करना, 400 को उधर ले जाना, तो n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 400 इज इक्वल टू 0। इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके आपको आंसर बता देता हूं, 1 9 माइनस 400। तो आंसर आपको मिल रहा है, n की वैल्यू एक तो 16 मिल रही है और एक n की वैल्यू माइनस 25 मिल रही है। माइनस 25 हो नहीं सकती, नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव नहीं होंगी, नंबर ऑफ टर्म हमेशा नेचुरल होती है, तो इसका मतलब 16 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। इसका क्या मतलब है, अगर आप 16 मीटर का घड़ा खोदोगे तो आपका टोटल खर्चा कितना आएगा, 50,000। आपने 3 मीटर का घड़ा खोदा था तो 4500, मतलब 4500 आपका खर्चा आया था 3 मीटर का घड़ा खोदने पे। तो अगर आप 16 मीटर का घड़ा खोदोगे ना, 16 मीटर इज ऑलमोस्ट 48 फिट, तो 50 फिट तकरीबन कर लो, तब आपका कितना खर्चा आएगा, 50,000 रुपये खर्चा आएगा। तो सवाल ये पूछा था कि जो उस वेल की डेप्थ कितनी है, जब आप ये वैल्यू आ जाए ना फिर लिख देना कि हैंस वेल है उसकी डेप्थ कितनी होगी, डेप्थ होगी 16 मीटर, क्योंकि 16 मीटर खोदने पे आपका खर्चा जो है वो 50,000 आ रहा होता है। अच्छा, 12 में क्या लिखा हुआ, अमैन बोरोज रुपीज 25,000 एंड एग्रीज टू रिपे विद अ टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10,000। तो सबसे पहले हम सम निकालते हैं यहाँ पे, सम का मतलब यही, आप ये कह लो टोटल अमाउंट, अमाउंट कितनी है यहाँ पे। तो भाई हो ये रहा है कि उस बंदे ने, बेचारे ने कर्ज लिया है 25,000 का और उसने बोला है कि मैं तुम्हें वापस करूंगा 10,000 प्रॉफिट के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर तुमसे 25 सूद है, सिंपल 25,000 लिया है, तो मैं जब तुम्हें वापस करूंगा तो मैं तुम्हें 35,000 वापस करूंगा, मतलब 10,000 मैं तुम्हें प्रॉफिट दूंगा। तो ये 35,000 टोटल उसको वापस करने पर, लिए उसने 25,000 है लेकिन वापस कितने करेगा वो 35,000। तो टोटल अमाउंट या जिसको आप सम कह लो वो कितना होगा यहाँ पे, 35,000 होगा जो उसको वापस करना है। ये टोटल सम है, अमाउंट है, जो भी आप उसको कह लो। और कंडीशन क्या है, इन 10 इंस्टॉलमेंट, वो बोल रहा है कि 10 इंस्टॉलमेंट मैं दूंगा। इंस्टॉलमेंट नॉर्मली पर मंथ के हिसाब से होती है, वो डिपेंड करता है, इंस्टॉलमेंट को कोई पर 2 वीक भी ले सकता है कि 2 वीक बाद में तुम्हें हर इंस्टॉलमेंट दिया करूंगा, लेकिन नॉर्मली इंस्टॉलमेंट पर मंथ ली जाती है।
तो 10 इंस्टॉलमेंट का मतलब कि नंबर ऑफ टर्म यहां पे 10 होगी, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। मैं आप लोगों को मजीद डिटेल में भी समझाता हूँ, मैं पहले आप लोग डाटा बना रहा हूँ ताकि समझ आ जाए आप लोगों को। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है, 10 है, मतलब ये एन की वैल्यू आपको गिवन है, एन यहाँ पे 10 है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ईच इंस्टॉलमेंट बींग लेस देन द प्रीसीडिंग बाई ₹200। कि अगर पहले महीने मैंने तुम्हें दिए ₹1,000, नेक्स्ट महीने मैं तुम्हें दूंगा ₹800, मतलब जो मैंने पहले दिया था ना उससे ₹200 मैं कम दूंगा। ईच इंस्टॉलमेंट बींग लेस देन द प्रीसीडिंग बाई रुपीज, अगर मैं पहले फॉर एग्जाम्पल 2,000 दिए तो अब मैं तुम्हें 1,800 दूंगा, फिर मैं तुम्हें 1,600 दूंगा, मतलब ₹200 कम दिया करूंगा। इस तरीके से मैं तुम्हें वापस करूंगा 10 इंस्टॉलमेंट के अंदर तुम्हारे ₹35,000। ठीक है, ये कंडीशन गिवन है। लिखा हुआ व्हाट शुड बी हिज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, वो कह रहे हैं कि उसकी पहली इंस्टॉलमेंट क्या होगी, ये आपको यहाँ पे मालूम करना है। तो आप सबसे पहले कॉमन डिफरेंस भी देख लो, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, -200 होगा। उसकी वजह है कि आप कम देते जा रहे हो ना, -200, मतलब हर दफा पहली अमाउंट जो आपने दी उससे फिर कम 200 आपने कम दिए करते करते, तो कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ पे क्या है, -200। तो अब निकालना क्या है आपको यहाँ पे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालनी है, मतलब ए आपको यहाँ पे मालूम करना है, ये सवाल है। अब जरा देख लेते हैं सॉल्यूशन यहाँ पे किस तरह करोगे। भाई देखो टोटल इस अरिथमेटिक सीरीज की कितनी टर्म्स होगी, सबसे पहली इंस्टॉलमेंट को आप ए बोल दो, दूसरी इंस्टॉलमेंट क्या होगी -200, तीसरी इंस्टॉलमेंट क्या होगी ए -400, और ये चीज चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी अप टू 10 टर्म्स तक, लिख दो अप टू 10 टर्म्स। ये टोटल उस, क्योंकि 10 महीने में उसने वापस करने ना, तो पहले महीने फॉर एग्जांपल ए अमाउंट उसने वापस की, दूसरे महीने उसने ए -200 वापस किए, तीसरे महीने में ए -400 उसने वापस किए, करते 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 10वें महीने में उसने कुछ ना कुछ अमाउंट वापस की होगी और ओवरऑल 35,000 उसने वापस कर दिए होंगे। ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रही है, इसको हम सीरीज बनाते हैं, दरमियान में हम एड लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन 10 इंस्टॉलमेंट को आपस में ऐड करोगे तो टोटल अमाउंट आपकी कितनी बनेगी, टोटल अमाउंट आपकी बनेगी 35,000 जो उसने वापस करने थे। तो अप टू 10 इंस्टॉलमेंट के बाद टोटल अमाउंट, मतलब टोटल सम क्या बन रहा होगा, 35,000 बन रहा होगा। अब अगर आप इसको उस टेक्निक से करोगे ना जो टेक्निक आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि 5 नंबर्स को ऐड करो, तो क्वेश्चन नंबर 10 में तो काफी ईजी था क्योंकि 5 नंबर थे। अब अगर आप 10 नंबर्स को ऐड करोगे तो मसला हो जाएगा थोड़ा। तो बेहतर ये है कि आप अरिथमेटिक सीरीज का फॉर्मूला जो है ना वो यहाँ पे यूज कर लो, वरना आपको इस टाइप की शुरू की 3 टर्म लिखी है, मजीद 7 टर्म लिखोगे इतने बड़ी बड़ी हो जाएगा वो, चाहो तो उस तरह भी कर सकते हो, लेकिन अरिथमेटिक सीरीज का फॉर्मूला यूज कर लो तो ज्यादा बेहतर है। तो फॉर्मूला कैसे यूज करोगे, सम का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अच्छा जी, तो सम टोटल उसको अमाउंट कितनी देनी है, टोटल उसको 35,000 देना है, देने उसको देखो 35,000 है। अब 35,000 को उसने डिस्ट्रीब्यूट करना है 10 महीने के अंदर, 10 इंस्टॉलमेंट के अंदर उसने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो असल टोटल अमाउंट तो 35,000 थी ना, वही उसने देनी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो, और फिर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि हर इंस्टॉलमेंट के बाद वो ₹200 कम देगा। सही, तो 35,000 टोटल अमाउंट है, एन आपको पता है कि यहाँ पे 10 है क्योंकि इंस्टॉलमेंट यहाँ पे 10 है, तो एन की जगह 10 लिख दिया। फर्स्ट टर्म आपको नहीं पता कि यार पहले महीने उसने कितने दिए थे उसको, ये आपको नहीं पता, फिर एन की जगह 10 पुट करो, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस मैंने अभी बताया था -200 क्योंकि ₹200 कम देते जा रहे हो। 10 अपॉन 2 क्या होता है, 5 के बराबर, 5 को डिवाइड कर दो 35,000 से, तो 35,000 को डिवाइड करोगे 5 से तो 7,000 आ जाएगा। तो 10 अपॉन 2 5, 5 को डिवाइड करवा दी यहाँ पे 7,000। अब यहाँ पे क्या बचा, 2a n को मल्टीप्लाई करो, सॉरी 9 को मल्टीप्लाई करवाओ तो ये हो जाएगा -1800, -1800 को बदल ले आओ पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8,800। और यहां से ए की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू आ जाएगी 4,400। इसका मतलब पहली इंस्टॉलमेंट में वो कितने देगा, ₹4,400 देगा। अब आपको बस यही बोलना था कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है ना, हाँ बस सवाल आपका यही था, तो आप लिख देना एंड पे, हेंस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पहले महीने, मतलब पहले इंस्टॉलमेंट में कितने देगा, वो ₹4,400 देगा। ये आपका फाइनल आंसर है, रिजल्ट आपने ही लिखना है। ठीक है, अब अगर आप चाह रहे हो इस चीज को कंफर्म करना, कैलकुलेटर निकालो। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है पेपर में और आप चाहते हो कि यार मैं अपना आंसर चेक कर लूं, कैलकुलेटर निकालो, आप कैलकुलेटर में लिखो 4400, ये उसने पहले महीने दिए, नेक्स्ट महीने कितने देगा, ₹200 कम देगा, तो नेक्स्ट महीने क्या हो जाएगा 4200। इस तरह करते जाओ, फिर नेक्स्ट महीने 4000, फिर 3800, फिर 3600, फिर 3400, करते 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 10 आपने इंस्टॉलमेंट लिखनी है, जब आप उनको ऐड करोगे देखना 35,000 बन रहा होगा, और जब 35,000 आ जाए इसका मतलब आपका सवाल ठीक है,
आपने कोई मिस्टेक यहाँ पे नहीं की, तो इस तरह चेक भी कर सकते हो आप सवाल को।